तो आज हम लोग बात करेंगे रीनल स्टोन्स की, ठीक है ना। तो रीनल स्टोन्स जो है एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मस्ट नो टॉपिक है। ये आपका कभी कभार ये पूछ देता है एग्जामिनेशंस में, और इसकी कभी स्लाइड्स रख दी जाती है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो रीनल स्टोन्स जब होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसका एक टेक्निकल नाम होता है। किसी भी आप अगर MBBS लिए हो तो आपको टेक्निकल नाम से ज़्यादा फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपको मेन उसका नाम जानना पड़ेगा, नहीं तो आप भी उसी तरह गवार हो जाओगे। लोग भी कहते किडनी पथरी हो गया तो आप भी किडनी पथरी बोलोगे, लोग कहेंगे रीनल स्टोन हो गया तो आप भी रीनल स्टोन कहोगे। तो ये ऐसे नहीं करना है। इसका क्या टेक्निकल नाम है, इसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस। लिथियासिस मतलब समझते ही हो कि कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाना, ठीक है ना। तो नेफ्रोलिथियासिस हो गया इसका टेक्निकल नाम, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि इंक्रीज स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टोन फॉर्मेशन की इंक्रीज कैसे करता है, किस किस कारणों से स्टोन का बनना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसके कुछ कारण है कि कैल्शियम होता है, ऑक्सलेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ड्रग हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है ना। कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड ड्रग जो भी है, ये सब स्टोन को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। ये सब याद करने चीज़ है। और क्या क्या चीज़ें स्टोन फॉर्मेशन को कम करती हैं, इसमें से साइट्रेट आ गया, ऑस्टियोपोन्टीन हो गया, नेफ्रोकैल्सिन आ गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया, पायरोफॉस्फेट आ गया, ठीक है ना। तो ये स्टोन फॉर्मेशन को कम करेगी, ये बेसिक चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, साइट्रेट, ऑस्टियोपोन्टीन, नेफ्रोकैल्सिन एंड इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, ठीक। अब समझते हैं कि यूरिन इफ अबव इज मेंशन, ठीक है ना। अगर ये जो है, ये जो चीज़ दी है इंक्रीज स्टोन फॉर्मेशन या डिक्रीज स्टोन फॉर्मेशन, इसमें अगर कोई इम्बैलेंस आ गया, ठीक है ना। इम्बैलेंस आने के कारण क्या हो गया कि जो स्टोन प्रमोटिंग फैक्टर्स थे, जो इंक्रीज कर रहे थे, वो ज़्यादा हो गए, और जो स्टोन डिक्लाइनिंग फैक्टर्स थे, डिक्रीजिंग फैक्टर्स थे, वो कम हो गए, ठीक है ना। तो इसी कारण क्या होगा कि यूरिन जो है सुपर सैचुरेट हो जाएगा। क्या होगा, यूरिन सुपर सैचुरेट हो जाएगा। ये टेक्निकल टर्म है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, ये इसका की वर्ड है कि यूरिन सुपर सैचुरेट हो जाता है। अब इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, नेफ्रोलिथियासिस का जो है क्लिनिकल फीचर क्या है। हाँ, रीनल स्टोन आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी शॉर्ट नोट के तौर पे आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको जानना पड़ेगा क्लिनिकल फीचर्स की क्या है, कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल पेन इसका कारण होता है, किडनी में पथरी हो जाता है। तो क्या आप देखते हो, जो जितने भी बेसिक आपने आपके घर में अगर किसी को हुआ हो तो आप लोग क्या देखते हो कि उसको पेन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, रीनल कोलिक हो जाता है, हिमाचूरिया होने लगता है, मतलब खून आने लगता है यूरिन में, ठीक है ना, फ्लैंक पेन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यूरेटर स्टोन प्रेजेंट साइट, तो हम लोग बात करेंगे अभी कि यूरेटर स्टोन प्रेजेंट साइट, कि यूरेटर में स्टोन कहाँ कहाँ बन सकता है। तो अपनी थोड़ी सी एनाटॉमी के नॉलेज के साथ आप लोग लिंक करना कि यूरेटर प्रेजेंट इन अपर वन थर्ड, ठीक, स्टोन प्रेजेंट इन वन अपर वन थर्ड, ठीक है ना, स्टोन प्रेजेंट इन अपर वन थर्ड। तो मेल में रेडिएट कहाँ करेगा इसका पेन, इसका पेन रेडिएट करेगा टेस्टिकुलर टिश्यू को, और फीमेल में पेन कहाँ रेडिएट करेगा, लेबिया मेजोरा को, ठीक है ना। मिडिल पार्ट में अगर जो है आपका स्टोन प्रेजेंट हो गया तो इसका पेन कहाँ रेडिएट करेगा, इलियाक फोसा को, और इलियाक फोसा में अगर आपने अपनी सर्जरी की पोस्टिंग कायदे से की होगी तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में आप डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ कंफ्यूज कर सकते हो, और राइट इलियाक फोसा में हो गया तो बहुत ही कॉमन जो है आप इन्फ्लेमेशन देखते हो, कौन सी, अपेंडिसाइटिस की, ठीक है ना। इफ राइट में हो गया तो अपेंडिसाइटिस, इफ लेफ्ट में हो गया डाइवर्टिकुलाइटिस की आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस से बता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्लैंक पेन जो है इंपॉर्टेंट होता है, यही मैचूरिया हो गया तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे आप डिफरेंशिएट करते हो, DD अपनी बना सकते हो, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो लोअर पार्ट में पेन इन ग्रोइन रीजन हो गया, ठीक है, लोअर पार्ट में होगा तो इसका पेन कहाँ जाएगा, ग्रोइन रीजन में जाएगा। अब टाइप्स ऑफ स्टोन की बात करते हैं, कितने प्रकार के अपने स्टोन्स होते हैं। तो पहला जो अपना स्टोन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ये सबसे मोस्ट कॉमन पहले तो होता है, सीन इन द केसेस ऑफ हाइपर पैराथायरिडिज्म। हाइपर पैराथायरिडिज्म के केस में देखेगा कैल्शियम का बढ़ना, मतलब समझ गए, मोस्ट कॉमन इन इडियोपैथिक हाइपर कैल्शीमिया। इडियोपैथिक अननोन कॉज के कारण, इडियोपैथिक बहुत ही फैंसी वर्ड है ना अननोन कॉज के लिए, ठीक है, हाइपर कैल्सी कैल्सी यूरिया के लिए, ठीक है, हाइपर कैल्सी यूरिया, इडियोपैथिक हाइपर कैल्सी यूरिया के, ठीक है ना, कैल्सी यूरिया है, ठीक है ना। ये याद रखना कि मतलब यूरिन में अपना कैल्शियम आने लगेगा, कैल्सीमिया अगर मैं बोल दिया गलत है, वो कैल्सी यूरिया है, ठीक है ना। स्टार्टेड फ्रॉम एरिया रेंडल प्लाक, टिप ऑफ रेंडल पेपलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अब इसका क्या मतलब है, इसको क्या कहते हैं कि रेंडल प्लाक इसमें बनता है, एक रेंडल प्लाक होता है, ये टिप ऑफ रेनल पैपले से जाता है। रेनल पैपले आप लोग समझते ही होंगे, किडनी में जो होता है एक रेनल पैपले तो होता है ना, समझते ही हैं आप लोग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है ना। तो एनाटॉमी के थोड़ा देख लेना कि टिप ऑफ रेनल प्लाक में क्या होता है, रेंडल प्लाक रेनल पैपले के रेंडल प्लाक जमा हो जाता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का,
ठीक है ना, कैल्शियम कैल्शियम अगर जमा हो गया तो क्या होगा, तो ठीक है ना, अगर आप उसका एक्सरे करवाओगे, एक्सरे करवा दोगे कैल्शियम का, अगर कैल्शियम अगर वहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो उसका एक्सरे करवा दोगे, क्या होगा, वो रेडियो ओपेक होगा, रेडियो ओपेक नजर आएगा। और ये जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात, कि ये पीएच इंडिपेंडेंट होता है, पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक हम लोग आगे स्टोन देखेंगे जो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, वो अल्कली मीडियम में केवल बनता है और उसका नाम है स्ट्रुवाइट स्टोन, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कौन से स्टोन की, हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के दो स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है, एक मोनोहाइड्रेट फॉर्म, एक डाईहाइड्रेट फॉर्म में। तो डाईहाइड्रेट फॉर्म जो है वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पे डाईहाइड्रेट फॉर्म ही इसका पूछेगा। मोनोहाइड्रेट में अगर आप जानोगे तो डंबल शेप के होंगे, और डाईहाइड्रेट फॉर्म में आपका एनवलप शेप के, बाइपिरामिडल शेप के होते हैं, ठीक है ना। अपनी रॉबिन्स की पैथो की बुक में देख लेना कि कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका जो लाइट माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जो आपको दिखे, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर्स दिखे उसको देख लेना सही से, ठीक है ना, उसमें कैसे दिखते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइट माइक्रोस्कोपी पे समझ लेना कि कैसे कैसे दिखते हैं अपने स्टोन्स, ठीक है ना। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं ये रीनल स्टोन के अलावा और कहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग, अपनी FMT के नॉलेज से लिंक करना कि इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स वहाँ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डाईहाइड्रेट एनवलप शेप्ड होता है, ये याद रखना, मोनोहाइड्रेट में डंबल शेप्ड होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सारे चीज़ों में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रुवाइट स्टोन की, स्ट्रुवाइट स्टोन क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल स्टोन कहते हैं या स्लो ग्रोइंग स्टोन कहते हैं। ये स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत तेजी से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। रीनल पेल्विस में इसका अगेन साइट है, स्टैगहॉर्न, वहाँ पे टिप ऑफ रीनल पेल्विस पे था, कौन सा प्लाक था, रेंडल प्लाक था। यहाँ पे स्टैगहॉर्न कैलकुलस, स्टैगहॉर्न कैलकुलस आपने कहाँ कहाँ देखा है, ठीक है ना, कहाँ किस किस बीमारियों में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी माइक्रोबायोलॉजी की लिंक है, माइक्रोबायोलॉजी की डायरेक्ट लिंक, ठीक है ना, उसमें प्रोटियस मिराबिलिस में देखते होंगे कि यूटीआईज हो जाते हैं, स्टैगहॉर्न कैलकुलस बन जाता है, ठीक है ना। उसका ट्रीटमेंट कैसे था, सल्फोनामाइड वगैरह से ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है ना। ऐसे ये चीज़ याद रखना कि यूटीआई और स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहाँ होता है, प्रोटियस मिराबिलिस में होता है, ठीक है ना, वो चीज़ थोड़ी सी अपनी माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज से लिंक करना। स्ट्रुवाइट स्टोन का पहले तो आप कंपोजिशन जान लो, मैग्नीशियम NH4 फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये भी एक रेडियो ओपेक स्टोन होता है, ठीक है, एक्सरे कराओगे तो रेडियो ओपेक दिखेगा। और डेवलप्स इन अल्कलाइन पीएच, अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्सलेट की वहाँ पे कोई पीएच की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे, लेकिन अल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कि किस किस ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा, प्रोटीज मैंने बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, क्लिप्सियला में देख सकते हो, स्टैप सेप्रोफाइटिकस में भी आपका क्या होता था, यंग फीमेल में आपका यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता था, जो नहीं सॉरी यंग फीमेल के केस में आपका एक यूटीआई डेवलप होता था स्टेप सेप्रोफाइटिकस में। अपनी माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज से थोड़ा सा लिंक करना, तो अगर मैं यूरिनरी ब्लड बोले हो तो गलत बोला हूँगा, ठीक है ना। स्टेप सेप्रोफाइटिकस में यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में यूटीआईज हो जाते हैं, तो उसके कारण से स्ट्रुवाइट स्टोन वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। प्रोटियस क्लिप्सियला स्टेप सेप्रोफाइटिकस, बहुत चीज़ें हैं, थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार गलत बोल दूँ, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा, कॉफिन लिड अपीयरेंस का स्ट्रक्चर मिलने लगेगा, ठीक है ना, कॉफिन लिड का अपीयरेंस मिलने लगेगा। और ये क्या होता है, ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको हमेशा एग्जाम में एक ऐसा सवाल आएगा कि ऑन यूरिन एग्जामिनेशन ट्रिपल फॉस्फेट स्ट्रक्चर है, और फलाना ढिमकाना तमाम तरह की जानकारी दे देगी। आपको क्या पता करना है कि इसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहले तो स्ट्रुवाइट स्टोन होता है, और ये रेनल पेल्विस और स्टैगहॉर्न कैलकुलस, ठीक है ना। ये अगर आपको आ गया बस तो आप डायरेक्ट MCQ ठोक दोगे, ठीक है ना। ये है कॉफिन लिड अपीयरेंस का, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप देख लेना अपनी किताब में, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूरिक एसिड स्टोन की, तो आप अपनी बायोकेमिस्ट्री नॉलेज से लिंक कर सकते हो कि गाउट या ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम या लेस नाइन सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। और अपनी बायोकेमिस्ट्री की ही नॉलेज से लिंक करना कि लेस नाइन सिंड्रोम में कौन सी एंजाइम की डिफेक्ट हो जाती है, तो HGPRDAS की डिफेक्ट हो जाती है, ये यहाँ पे लिखा है। और यहाँ इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये भी थोड़ा सा बताओ, कि सेल्फ म्यूटिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक होता है, कि अपने होट वोट चबाने लगता है, ठीक है, सेल्फ म्यूटिलेशन एक हो जाता है, तो उसको पट्टी से बांध देते हैं ताकि वो अपने होट ना चबा पाए, ठीक है ना। तो ये देखने से पता चल जाता है, ठीक। तो इसको यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। ये होता है आपका एसिडिक पीएच पे क्रिस्टलाइज करता है। कौन सा अल्कलाइन पीएच पे था, स्ट्रुवाइट स्टोन था। कौन सा उस पर था कि पीएच इंडिपेंडेंट था, वो था तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा एग्जामिनर हो सकता है कंफ्यूज करे, लेकिन एक तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये रेडियो ल्यूसेंट होता है, ठीक। अब कौन कौन से दोनों रेडियो ओपेक थे, एक स्ट्रुवाइट स्टोन रेडियो ओपेक था, और तुम्हारा
और कौन सा रेडियोपेक था? कैल्शियम ऑक्सलेट रेडियोपेक था। इसीलिए क्या होता है कि आप एक्सरे एग्जामिनेशन को नहीं बोलते कि किसी भी मतलब आपको अगर एक्सरे एग्जामिनेशन नहीं करवाते रीनल स्टोन के केसेस में, क्योंकि क्या होता है कभी कभार अगर यूरिक एसिड स्टोन रहा और तो पता नहीं चलता क्योंकि रेडियो लूसेंट हो जाता है, और बाकी सारे तो पता चल जाते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं पता चलेगा तो हम लोग अपनी इसको डीडी में इसको रखेंगे नहीं, कि हम लोग हो सकता है कि हम लोग मिस कर जाएं इसको, ठीक है ना, यूरिक एसिड स्टोन को। तो इसलिए एक्सरे को हम लोग नहीं करवाते हैं जनरली, ठीक है। इसका जो होता है शेप जो होता है इरेगुलर होता है, तो हम लोग इरेगुलर शेप के बजाय मैं बोलता हूँ कि रोम्बॉइड आप लोग लिखा करो, ठीक है, आपको जैसा सही लगे। मैं तो इरेगुलर शेप भी बोलता हूँ, रोम्बॉइड भी बोलता हूँ, तो मैं ज़्यादा सही रोम्बॉइड को मारूंगा क्योंकि एग्जाम में शायद से वो आपसे रोम्बॉइड ही बोले, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिस्टीन स्टोन की, ठीक है ना। अब सिस्टीन स्टोन को मैं कैसे बात करूं कि कोलार डिसऑर्डर सुने हो? कोलार डिसऑर्डर अपनी बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से अगेन लिंक करो, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री नॉलेज लिंक करो। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, अगर नहीं पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में ये भी बात मैं जानता हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। कोलार डिसऑर्डर्स अगर आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इसको यहाँ पे रट लो, पढ़े पढ़े हैं तो मैं पढ़ा भी दूंगा लेकिन बाद में, वो अलग टॉपिक हो जाएगा, वो 10 मिनट खींच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जान लो कि सिस्टीन स्टोन बन जाता है कोलार डिसऑर्डर्स में, तो उसमें होता है सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन और आर्जिनिन का, ये अगर हो जाए तो डिसऑर्डर हो जाता है, इनका डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चाइल्ड में देखने को मिलते हैं, सी से सिस्टीन, सी से चाइल्ड, याद रखना। एसिडिक यूरिन में देखते हैं, एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल भी स्टोन भी था, स्ट्रोइड स्टोन अगेन, अल्कलाइन पीएच, कैल्शियम ऑक्सलेट, तुम्हारा पीएच भी इंडिपेंडेंट था, पीएच इंडिपेंडेंट, अब तक याद होना हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सिस्टीन स्टोन का कलर कैसा है? कलर चेंज कमिंग इन कॉन्टैक्ट इन एयर। तो इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या, कि जब ये इसका कलर चेंज हो जाता है, अगर ये एयर में आए तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो जो आपको पेशेंट क्या बताएगा कि हाँ डॉक्टर साहब मैं जब अपना यूरिनेशन करता हूँ तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा करके कुछ आप सिस्टीन स्टोन का डीडी बना सकते हो अपना, ठीक है ना। ये कैसे स्टोन होते हैं? हेक्सागोनल शेप के स्टोन होते हैं, हेक्सागोनल शेप के स्टोन हो सकते हैं, ठीक है ना, ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है ना। स्ट्रोइड स्टोन में क्या था? कॉफिन लिड अपीयरेंस था। यूरिक एसिड स्टोन में क्या था? रोम्बॉइड शेप का था। और उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के केस में क्या था? एनवेलप शेप का था। अब इसकी मैं डायग्नोसिस की बात करता हूँ, डायग्नोसिस कैसे बनानी है, डायग्नोसिस कैसे बनाती है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है ना, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे नहीं करवाते हैं। एक्सरे कौन सा करवाते हैं? अगर करवाएंगे भी तो कौन सा करवाएंगे बताओ, ये मेरे को ये भी इंपॉर्टेंट है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, KUB का एक्सरे करवाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं केवल एक्सरे, तो एग्जामिनर पूछता है कौन सा एक्सरे, तो एकदम मतलब कि कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई कि कौन सा एक्सरे बोले। तो KUB एक्सरे होता है, किडनी, यूरिनरी, यूरेटर, ब्लैडर वाला, ठीक है ना। तो 90% केसेस में डिटेक्ट हो जाएगा, बस 10% केसेस नॉट डिटेक्टेड लाइक यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये मैं बात कर चुका हूँ कि ये डिटेक्ट नहीं कर पाते कभी कभी, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन को ज़्यादा हम लोग प्रिफर करते हैं कुछ कुछ मामलों में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? NSAIDs दे सकते हो, ठीक है ना, डिक्लोफिनैक हो सकता है, फ्लूइड इनटेक बढ़ा दो भाई, थायराइड डायरेटिक्स दे दो, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देगा, सुपर सैचुरेशन भी कम कर देगा। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया तो सुपर सैचुरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सुपर सैचुरेशन मतलब होता है क्या? सैचुरेशन में अपनी केमिस्ट्री, अगर आपने 11th की केमिस्ट्री 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सैचुरेशन मतलब क्या होता है कि पूरी मात्रा में वो डिसॉल्व हो जाता है, इससे ज़्यादा अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो वो नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। तो अगर यूरिन का, अगर मैंने वाटर ज़्यादा बढ़ा दिया तो सुपर जो सैचुरेशन उसका कम हो जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब सर्जरी की मैं बात करूँ कि सर्जरी इसकी भी देख लो कि अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम लोग क्या करते हैं, शॉक पे लिटोट्रिप्सी दे सकते हैं, और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ये यहाँ पे परक्यूटेनियस लिटोटॉमी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आप अपनी सर्जरी पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।